अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले सभी को जुमा मुबारक। जुमे का दिन बहुत अफजल होता है। अल्लाह तबारक व तआला सबको जुमे की बरकतों और रहमतों से नवाजे। आज हम आपको ऐसा तोहफा देंगे जिसको आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अगर आप सही इंसान हैं और इस चीज़ को सही से समझ लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देंगे। चलिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारी हदीस की तरफ लेकर चलता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे का दिन तुम्हारे तमाम दिनों से अफजल है। जुमे के दिन तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पाक भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर इस दिन पेश होता है। जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक भेजेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 बार दुरूद पाक भेजेगा और उसकी 10 खताएँ माफ़ करेगा। नंबर 2, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कैफ पढ़ेगा, उसके कदम से आसमान तक नूर होगा जो क़यामत के दिन रोशन होगा, और 2 जुमे के बीच के गुनाह माफ़ किए जाएंगे। बोलिए सुबहान अल्लाह। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कैफ की तिलावत करेगा, अगले जुमे तक उसके लिए खास नूर रोशन होगा। नंबर 3, जो शख्स जुमे की नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, जो शख्स भी इसको 100 मरतबा पढ़ेगा जुमे की नमाज के बाद, उसके 1 लाख और उसके माँ बाप के 24,000 गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 4, जो शख्स जुमे की नमाज के बाद 7 बार सूरह अखलास, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास पढ़ेगा, अगले जुमे तक हर किस्म की बुराई से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर ज़रूर देंगे। वीडियो पसंद आई हो और ऐसी इस्लामिक वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।